एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल बींग बैंक सो गाइज बहुत दिन हो गए मैंने कोई वीडियो डाली थी एक्चुअली देर वॉज सम प्रॉब्लम मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम था सो आई एम रियली सॉरी फॉर देट कितने दिनों से वीडियो नहीं डली बट आई एम बैक विद माई वीडियो नाउ एंड होपफुली मैं रोज़ कोई ना कोई वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेशन uh, के लिए डालती ही रहूँगी सो so, uh, ये वीडियो मेरी है मेरे डी वी एक्सपीरियंस पर ठीक है येस्टरडे थर्ड फेब को आई हैड माई डी वी ठीक है तो डे बिफोर यस्टरडे सच हाँ तो डे बिफोर यस्टरडे मेरा डी था ठीक है uh, मेरा बैंक आपको पता है जे ग्रामीण बैंक में है तो उसका डी था और इसमें मैंने सारे के सारे uh, कुछ शेयर किया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे रिक्वायर्ड थे बाकी मेडिकल का क्या सीन था एंड ज्वाइनिंग डेट कब है बाकी भी और भी जो नॉर्मल क्वेरीज हैं आप लोगों की आई हैव ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज वेल सो लेट स्टार्ट द वीडियो एंड बिफोर बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ठीक है ओके तो लेट स्टार्ट सो सुज हेयर इज द डॉक्यूमेंट लिस्ट ठीक है ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें जे एंड के ग्रामीण बैंक की डीवी के लिए बोले थे तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो uh, क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल लेटर मीन्स जो हमें मेल आई थी डीवी के लिए वो मेल जो थी उसका प्रिंट आउट निकलवाना था ठीक है जैसे एस बी में निकलवाया था फिर सेकेंड है आई का एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आपको पता है जो आपने जब अपने एग्जाम के लिए अप्लाई किया था उस टाइम जो आपने फॉर्म भरा था ना उसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है तो वो आपको जैसे आपको इंटरव्यू के टाइम पे भी चाहिए था ठीक है तो वही सेम एप्लीकेशन फॉर्म आपको डिवी के टाइम पे भी लेके जाना है फिर है इंटरव्यू कॉल लेटर वैसे इंटरव्यू कॉल लेटर का उन्होंने ज़्यादा इशू क्रिएट किया नहीं क्योंकि काफ़ी लोगों के पास नहीं भी था इंटरव्यू कॉल लेटर बट स्टिल अगर आपके पास है मे बी आपने मेल में सेव किया हो और अगर नहीं है तो इतना कोई भड़बड़ाने वाली बात नहीं है बाकी अगर आपके पास है तो इसको लेके जाओ फिर आई बी स्कोर कार्ड तो स्कोर कार्ड जो आया था आपका लास्ट जिस में जिसमें आपके मार्क्स दिए हुए हैं कि आपके सेक्शनल uh, कितने कितने नंबर हैं ठीक है और फाइनल स्कोर कार्ड भी uh, जिसमें लिखा हुआ कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड दिस पर्टिकुलर बैंक तो ये दोनों स्कोर कार्ड्स जो है इसका भी आपको फोटोग्राफ लेके जानी है ठीक है प्रिंट आउट लेके जाना बेसिकली एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो तो आपको पता है आपको टेंथ के आपके पास टेंथ का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए टेंथ की डिग्री फिर ट्वेल्थ की मार्कशीट एंड जो आपका ग्रेजुएशन है उसकी मार्कशीट और अगर आपने अप्लाई uh, किया अगर आपने उनको पोस्ट ग्रेजुएशन भी बताया था अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो यू नीड द डिग्री एंड द मार्कशीट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एज वेल ठीक है बाकी नहीं बोला तो इट्स ओके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में प्लीज़ आई एम स्पेसिफाइंग दिस अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो चीज़ें लिखी है ना वो वो चीज़ें आपको लेके जानी है ठीक है अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में बोला है कि आपको एक्सपीरियंस है तो यू नीड टू हैव दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट ठीक है अगर आपने कहा है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है यू नीड टू हैव डिग्री फॉर दैट एज़ वेल तो जो जो चीज़ें आपने लिखी हैं यू नीड टू हैव बाकी एनओसी अगर आप कहीं पे वर्किंग थे आपने मेंशन किया है दैट यू वर वर्किंग या गवर्नमेंट गर एम्प्लॉई हो तो तो आपको देना ही देना है ठीक है बट अगर आप कहीं पे प्राइवेट काम करते हो अगर आपने मैंशन नहीं किया तो इट्स ओके बट अगर आपने प्राइवेट का मैंशन किया हुआ है तो आपको एन चाहिए ठीक है फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट एवर कैटेगरी यू बिलोंग टू ओ बी सी एस सी एस टी इन फैक्ट अगर आप ई डब्ल्यू एस हो तो भी ठीक है जो भी कैटेगरी के आप हो उसका सर्टिफिकेट चाहिए आपको ठीक है हाँ ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है गाइज इन सब का आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है एंड प्रिंट आउट्स लेके जाना ही है सो मेक श्योर आपके पास दो कॉपीज़ हूँ सबकी ठीक है दो कॉपीज़ बना लो सबकी प्रिंट आउट्स की uh, और इनका जो ओरिजिनल है प्लीज़ टेक दैट एज वेल बाकी पैन एंड आधार कार्ड बोथ ऑफ देम पैन कार्ड भी चाहिए आपको एंड आधार कार्ड भी चाहिए दोनों चीज़ें आपको लेके जानी है एंड जैब और सी आई भी जो सर्टिफिकेट्स अगर हैं तो ठीक है नहीं है तो नो नीड ठीक है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मेरे को मेरे से मंगवाए थे ठीक है जो क्योंकि एक्चुअली बात क्या है सारे ग्रामीण बैंक्स आपको पता है डिफरेंटली वर्क करते हैं तो जो जे एंड के ग्रामीण बैंक है इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट तो इन्होंने क्या किया था इन्होंने मेडिकल वगैरह जो भी है हमारा मेडिकल चाहिए या करेक्टर सर्टिफिकेट्स पुलिस वेरिफिकेशन ये सारा कुछ इन्होंने नहीं करवाया ठीक है ये हमें भी बाद में करवाएंगे जॉइनिंग के टाइम पे तो अभी फ़िलहाल के लिए इन्होंने वही डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे जो हमने इंटरव्यू के टाइम पे शो करे थे तो इन्हीं के साथ हमारा डी हो गया है. तो अब बात अगर हम करें जॉइनिंग की तो जे ग्रामीण बैंक की जॉइनिंग जो है इट इज़ प्रोबेबली इन दिस मंथ इट ठीक है शायद इसी महीने इसकी जॉइनिंग आ जाए बाकी इट्स नॉट कन्फर्म येट ठीक है एंड आई थिंक मोस्टली आप सबके पास जि, जिसका जो भी बैंक है मोस्टली सबके पास डीवी वी मेल आ गई होगी तो जिसके पास नहीं आई प्लीज़ कमेंट डाउन एंड जिसके पास आ गई है वो भी प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना ठीक है बाकी ठीक है हम बाकी भी बात कर लेते हैं कि बाकी जो बैंक्स हैं वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं ठीक है तो uh, गाइज़ ये जो है आपकी चेक लिस्ट है ठीक है डीवी के लिए जो आपके बाकी आरआरबीज हैं जो आपका मेडिकल वगैरह सब कुछ पहले ही करवा लेते हैं ये उनके लिए है तो सबसे पहली चीज़ तो आप देख रहे हो कि प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे मैंने आपको बोला ये तो आपको चाहिए ही है ठीक है बाकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स दो फोटो कापीज़ के इनके सेट्स uh, हों ठीक है बाकी आपको ये लेके जाना है एंड हाँ जैसे बोलते ना कि डेट ऑफ बर्थ के लिए यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर प्रूफ तो डेट ऑफ बर्थ के लिए तो आपका जो टेंथ का सर्टिफिकेट है वही चल जाता है ठीक है फिर आपका मेट्रिकोलेशन दिखाना है इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन मेट्रिकुलेशन वही टेंथ का ठीक है इंटरमीडिएट ट्वेल्थ का और ग्रेजुएशन फाइनल डिग्री भी चाहिए आपको प्रोविजनल अगर आपके पास है तो ओके okay, नहीं है तो भी इट्स ओके okay. अगर आपके पास मार्कशीट्स हैं ठीक है तो आपको मार्क्शीट्स चलो मार्क्शीट्स तो वैसे भी आपको लेके जानी है प्रोविजनल का काम का इस तब आता है अगर आपके पास डिग्री नहीं है ठीक है यू हैव कम्पलीटेड योर ग्रेजुएशन बट यू डू नॉट हैव द डिग्री क्योंकि होता है ना जनरली डिग्री एक साल के बाद आती है ठीक है तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो यू नीड टू गेट दी प्रोविजनल पर अगर आपके पास डिग्री है तो प्रोविजनल की ज़रूरत नहीं है बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन इफ़ यू है ठीक है कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट तो अगर आपने कंप्यूटर्स नहीं पढ़ा अपने अकेडमिक्स में ठीक है तो आपको कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट चाहिए वैसे ये तो आपको मतलब बैंक टू बैंक डिपेंड करता है ठीक है मेरे बैंक वालों ने कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट नहीं मांगा दो आई हैव ट्वेल्थ में कंप्यूटर्स बट फिर भी उन्होंने नहीं मांगा ठीक है तो ये कई बैंक्स जो हैं वो मांगते हैं कई बैंक्स जो वो नहीं मांगते तो वो आप को जो अगर आपको जो डी के लिए मेल आई होगी उसमें से आप टैली कर लेना अगर आपके लिए मांगा होगा तो बनवा लो उसको अगर नहीं मांगा तो फिर देर इज़ नो रिक्वायरमेंट बाकी एन अपने एम्प्लॉयर से ठीक है जो अगर वो बोल रहे हैं कि मिनिमम ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने ऑफिसर स्केल टू या स्केल थ्री के लिए अप्लाई किया तो है तो यू नीड टू हैव वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट ठीक है बाकी ई कैंडिडेट्स जो हैं उनको अपना वो चाहिए ई का सर्टिफिकेट ठीक है एंड इट इज़ मैंडेटरी कि जो ई का सर्टिफिकेट है इट शुड बी साइंड बाय दी अथॉरिटी जो तहसीलदार से नीचे ना हो ठीक है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नोट दिस तहसीलदार के ऊपर का जो रैंक होगा सिर्फ उन्हीं से ई डब्ल्यू एस आप आ, अटेस्ट करवा सकते हो ठीक है तहसीलदार भी चलता है और फिर आता है हमारा दो करेक्टर सर्टिफिकेट्स आउट ऑफ विच वन मस्ट भी फ्राम द प्रिंसिपल ऑफ़ हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट एंड सेकेंड जो है वो गेस्टेड ऑफिसर तो इन्होंने दो करेक्टर सर्टिफिकेट्स मंगवाएं हैं जनरली दो ही मांगते हैं बट स्टिल आप सेफ साइड के लिए तीन करेक्टर सर्टिफिकेट्स बनवा के लेके जाओ ठीक है एक जो है एक तो आपको ईज़िली मिल जाएगा अपने स्कूल से ठीक है वही जो एस के टाइम पर किया था एक आप ईजिली अपने स्कूल से बनवा लो सेकेंड आप किसी भी गेस्टेड ऑफ़िसर से बनवा लो अगर आप आपको कोई गेस्टेड ऑफिसर नहीं करके दे रहा तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल के पास चले जाओ या गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल के पास चले जाओ उनसे करवा लो ठीक है ये आपके दो सर्टिफिकेट्स हो गए और अगर आपको तीसरा भी चाहिए सर्टिफिकेट तो तीसरा आप एक काम करो पुलिस वेरीफिकेशन करवा लो वो तो ईज़िली हो ही जाती है ठीक है जो पुलिस वाला करेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो तो आपको आसानी से मिल जाता है विद इन टेन ट्वेल्व डेज तो आप वो करवा लो बाकी काफ़ी को ये भी बोला होगा कि दे वॉन्ट करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम आपका लोकल अथॉरिटीज़ जैसे एम हो गया एम हो गया या एम वगैरह हो गए तो जो कोई भी पंचायत में रहता है वो अपने आ, जो होते हैं उनके सरपंच वगैरह उनसे करवा लो और जो म्यूनसिपैलिटी में रहता है वो अपने एमसी वगैरह से करवा लो ठीक है तो करेक्टर सर्टिफिकेट्स के तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फिर कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ यू आर कोई भी कास्ट से हो तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए ही है फिर आता आपका मेडिकल फ़िटनेस हमसे अभी तक मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट नहीं मांगा बट बाकी सभी बैंक्स ने मांगा ही है पहले ठीक है तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए आपको ऊपर फॉर्मा तो मिल गया होगा ना फॉर्मेट आपको मिल गया होगा जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना आपको फॉर्मेट जो है वो बैंक वाले साथ ही प्रोवाइड करते हैं मेल के ठीक है तो वो फॉर्मेट निकालो अपना मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ ठीक है जो वहाँ का सिविल सर्जन होगा मींस जो सीनियर पोजीशन होती है ना सिविल सर्जन की उनसे ऊपर का रैंक ठीक है उनसे नीचे के रैंक वाले ऑफिसर से नहीं उनका जो ऊपर उप, के रैंक्स होते हैं बेसिकली वैसे तो सी जो होते हैं वही मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देते हैं ठीक है ठीके? तो उनके पास जाओ टेल देम टू तो प्रोवाइड मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट तो अपने टेस्ट वगैरह कराओ जो भी मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट्स में टेस्ट रिक्वायर्ड है वो टेस्ट करवाओ वो आपका मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट बना देंगे ठीक है फिर आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स जो आपने अप्लाई किया करते टाइम लगाई थी वही वाली फ़ोटोग्राफ्स की दस बारह कॉपीज़ करवा लो ठीक है ये सारी चीज़ें चाहिए आपको बाकी इन्होंने हाँ आपको एक और होता है पुलिस का वेरिफिकेशन भी मांगते हैं तो वो गाइस पुलिस का वेरिफिकेशन जो होता है ना वो बैंक के एंड से ही होता है तो वो मेरे ख्याल से आपको नहीं बोलेंगे पहले करवाने के लिए बट स्टिल अगर आपको बोला है तो आप पुलिस स्टेशन जाके कन्फर्म कर सकते हो कि कैसे करवाना है ठीक है बाकी और भी कई चीज़ें होती हैं आपको जैसे बता ओके okay, तो और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना गाइज उसमें आपका बॉन्ड आता है जुडिशल स्टैंप आता है एंड और भी दो तीन चीज़ें होती हैं शायद से जो आपको कहाँ से मिलता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो अगर आपके पास ऐसा है कि आपको अपना बॉन्ड तैयार करवाना है आपको जुडिशियल स्टैम्प वगैरह चाहिए तो आपको कहाँ जाना है आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है ठीक है अपने डिस्ट्रिक्ट के तो उस कोर्ट में जाके बाहर बहुत सारे क्लर्क्स बैठे होते हैं ठीक है थीके? जो स्टैम्प पेपर तैयार करते हैं ओके तो उनको आपको बताना है कि ये आपका पर्टिकुलर फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट पे आपको बॉन्ड तैयार करना है जुडिशल स्टैम्प तैयार करना है ठीक है तो यू हैव टू गिव द मनी वो एफिडेविट का जो पेपर होता है उस पेपर पे आपको बॉन्ड और जुडिशियल स्टैम्प जो भी आपको बोलेंगे वो सारे के सारे आपको तैयार करके दे देंगे ठीक है एंड दे विल गेट इट उसको साइन भी वही करवा देंगे ठीक है उसको नोटराइज़ भी वही करवा देंगे नोटरी वगैरह से तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तो ईज़िली बन जाता है बस वहाँ पर मेरे ख्याल से बॉन्ड वगैरह का जो भी दिया होगा आपको इसमें फॉर्म में कि आपको इतने का बॉन्ड करवाना है एंड इतने का आपका स्टैम्प पेपर लगेगा बस वो पेपर वगैरह की कॉस्ट होती है और बाकी अगर वो क्लर्क जो है वो खुद अगर मांग ले थोड़ा सा तो डेट्स एट बाकी इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता ठीक है तो ये सारी चीज़ें चाहिए एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर और भी किसी की कोई भी डाउट है कि ये डॉक्यूमेंट मैंने नहीं बताया ये नहीं बताया तो यू कैन कमेंट डाउन ठीक है आप कमेंट डाउन कर दो आई एल ट्राई टू सॉल्व यर क्वेरीज़ बाकी बस इतने से ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्योंकि मेरा तो गाइस अभी ये सब कुछ हुआ नहीं ठीक है मेरा सिर्फ सिंपल रिव्यू है मुझे मेडिकल वगैरह का भी हुआ नहीं कुछ भी तो इसलिए आई डोंट नो कि हाउ एक्जैक्टली इट हैपन्स बट यस जो भी चीज़ें हैं बनानी तो आपको इसी तरह से पड़ेंगी ओके okay? तो बाकी कमेंट करो आपका कब है डीवी और अगर किसी को जॉइनिंग डेट भी आ गई है कि इस दिन की जॉइनिंग है तो प्लीज़ कमेंट डाउन अपनी जॉइनिंग डेट्स पे ठीक है तो बाकी आई कीप ऑन मेकिंग वीडियोस एंड अगर कोई स्पेसिफ़िक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन आई एल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट एज़ वेल ठीक है ओके सो थैंक यू गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू